तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है भावेश और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं प्योर ईवी के एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का, जिसका नाम है ई प्लूटो 7G। तो फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ बाइक। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं स्कूटर के वॉक अराउंड से। इस स्कूटर की जो आपको एक्स शोरूम प्राइस मुंबई मिलने वाली है वो है 83,990 रुपीज़, मतलब लगभग 84,000 में आपको ये स्कूटी एक्स शोरूम मिलने वाली है। और इसका ऑन रोड प्राइस जो है आपको लगभग 92,000 से 95,000 के बीच में मिल जाएगा। ये जो इसकी प्राइसिंग है दोस्तों, वो सिटी टू सिटी और स्टेट टू स्टेट वेरी हो सकती है। आपके दोस्तों नियरेस्ट शोरूम में जाके जो है इसकी प्राइस पता कर सकते हो। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं स्कूटर के फ्रंट पोर्शन से। तो एक बार आप फ्रंट पोर्शन देख लो। फ्रंट पोर्शन से देखते ही दोस्तों आपको ये स्कूटर का जो लुक है वो वेस्पा की तरह लगने वाला है। पर दोस्तों वेस्पा और ये दोनों भी जो स्कूटर है वो अलग सेगमेंट की बाइक है, ये जो है वो इलेक्ट्रिक स्कूटर है। अभी आ जाते हैं हेडलैम्प्स की तरफ। तो यहाँ पे जो है आपको LED के हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, जो कि दोस्तों आपको नाइट में एक अच्छा खासा थ्रो प्रोवाइड कर देंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों आप देख सकते हो इस हेडलैम्प के साइड में आपको जो है क्रोम की ट्रीटमेंट मिल जाती है, उसके वजह से इस स्कूटर में जो है आपको एक रेट्रो एंड क्लासिक लुक मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है हमें एक प्योर AV का एक 3D लोगो मिल जाएगा। अभी नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो हमें DRLs मिल जाते हैं और जो इंडिकेटर्स है वो हमें बल्ब में या हॉलोजन में मिल जाएंगे। इस DRL की दोस्तों एक खास चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसे आप मैन्युअली बंद भी कर सकते हो। इसके लिए एक डेडिकेटेड स्विच इस स्कूटर में दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे देख लोगे तो यहाँ पे जो है हमें एक क्रोम की ट्रीटमेंट मिल जाएगी। उसी के साथ साथ जो फ्रंट मडगार्ड है उसके ऊपर भी आपको जो है क्रोम की ट्रीटमेंट मिल जाएगी। तो इस स्कूटर पर जो है वो अच्छा खासा क्रोम का यूज़ किया गया है। तो दोस्तों अभी आ जाते हैं स्कूटर के टायर की तरफ। तो यहाँ पे जो है हमें 90/100 सेक्शन के ट्यूबलेस टायर्स मिल जाएंगे, जो कि दोस्तों सीएट की तरफ से आते हैं। और यहाँ पे आप एलॉय व्हील्स देख सकते हो। तो एलॉय व्हील्स की साइज़ जो है आपको 10 इंचेस के मिलने वाली है। और यहाँ पे जो है डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप डिस्क ब्रेक देख लोगे तो फ्रंट में जो है हमें डिस्क ब्रेक मिलते हैं और जो पीछे के साइड में जो है हमें ड्रम ब्रेक्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो है हमें टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन मिल जाते हैं। ब्रेक के कैलिपर भी आप देखोगे तो प्योर AV की तरफ से ही आपको मिल जाते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों एक बार आप फ्रंट से देख लोगे तो एक आपको बहुत ही अच्छा और क्लासिक लुक मिल जाएगा। यहाँ पे जो ग्रे कलर है मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। और इस स्कूटर में दोस्तों आपको 7 से 8 कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आपके अकॉर्डिंगली आप इसमें कलर चूज कर सकते हो। तो ये तो हो गया इस स्कूटर का फ्रंट पोर्शन, आप एक बार देख लो। तो दोस्तों अभी आ जाते हैं स्कूटर के साइड की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमें एक क्रोम की ट्रीटमेंट मिल जाएगी पूरे स्कूटर पे, जो कि एक दिखने में आपको प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर देगी। उसी के साथ साथ जो है दोस्तों यहाँ पे हमें ई प्लूटो 7G की बैचिंग मिल जाएगी और यहाँ पे कुछ ग्राफिक वर्क मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी जाते हैं इस स्कूटर के फुटरेस की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक अच्छा खासा और बड़ा फुटरेस मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्पेस भी है वो दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी मिल जाएगी। इस स्कूटर को चलाते समय आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है पैर रखते समय भी। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे दोस्तों हमें एक चार्जिंग का सॉकेट मिल जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है। हम इसे एक्सटर्नली भी चार्जिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके ग्लव बॉक्स की तरफ। तो यहाँ पे जो है दोस्तों हमें एक ग्लव बॉक्स मिल जाएगा या स्टोरेज बॉक्स भी इसे आप कह सकते हो। यहाँ पे आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट सामान जो है उसे लॉक करके रख सकते हो, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अभी इसे कर देते हैं बंद। तो अभी आ जाते हैं स्कूटर के रियर टायर की तरफ। तो यहाँ पे भी जो है हमें फ्रंट की तरह ही सिमिलर टायर्स मिल जाएंगे 90/100 सेक्शन के। और ये भी जो टायर्स है दोस्तों ये सीएट की तरफ से ही आते हैं और ये भी जो है वो 10 इंचेस के टायर्स आपको मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे हमें 2.2 किलोवाट की हब मोटर मिल जाएगी, जो कि ये स्कूटर को चलाने के लिए आपकी मदद करेगी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो तो बॉडी कलर में हमें एक गार्ड मिल जाएगा, उसके ऊपर हमें प्योर AV की ब्रांडिंग मिल जाएगी, जो कि अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर जो सस्पेंशन है वो को ड्यूअल शॉक एब्जर्वर मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया स्कूटर का साइड पोर्शन, आप एक बार देख लो। तो दोस्तों अभी आ जाते हैं स्कूटर के रियर पोर्शन की तरफ। तो एक बार आप रियर का पोर्शन देख लो, जो कि दोस्तों दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे जो दोस्तों हमें हेलोजन की जो टेल लैंप्स मिल जाएंगी, उसी के साथ साथ जो साइड के इंडिकेटर्स भी है वो आपको हेलोजन में ही मिल जाते हैं। अभी नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हमें एक रिफ्लेक्टर मिल जाएगा और यहाँ पे एक नंबर प्लेट होल्डर मिल जाएगा। तो पीछे में आपको कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं मिलता, एक नॉर्मल सा ही आपको रियर का पोर्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी आ जाते हैं स्कूटर के सीट्स की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको सिंगल सीट्स मिल जाएंगी और सीट्स की भी दोस्तों साइज़ है वो आपको ठीक ठाक मिल जाती है। कुशनिंग भी दोस्तों यहाँ पे आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों मोस्ट कंफर्टेबल सीट तो मैं नहीं कहूँगा, बट जो आपको सिटिंग पोजीशन भी है या सिटिंग कंफर्ट भी है वो आपको अच्छा खासा मिल जाता है। अभी मैं इस सीट्स को ओपन करके आपको इस स्कूटर का जो है वो बूट स्पेस दिखा देता हूँ।
तो ये देख लीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपको जो बूट स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम मिलने वाला है। यहाँ पे आप जो छोटी मोटी सामान है वही रख सकते हो। अभी आ जाते हैं स्कूटर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ, जो कि स्कूटर की बैटरी। तो इस स्कूटर में दोस्तों आपको 2.5 किलोवाट पर आवर की लिथियम आयन की बैटरी मिल जाएगी, जो कि दोस्तों थोड़ी सी आपको एक्सपेंसिव साइड में मिल जाती है। तो दोस्तों ये बैटरी जो है आपको मेटेलिक केसिंग के साथ आ जाती है, जिससे एक्सीडेंटली ये बैटरी आपसे गिर भी जाती है तो इसमें कुछ भी डैमेज नहीं होने वाला। और ये जो बैटरी का टोटल वेट है वो आपको 15 kg तक मिल जाएगा। और ये बैटरी जो है फुल चार्ज होने के लिए लगभग 4 घंटे का टाइम ले लेगी, मतलब 4 घंटे में ये दोस्तों बैटरी 0 to 100 तक फुल हो जाती है। तो अभी देख लेते हैं इस बैटरी को हम रिमूव कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एक आपको स्विच मिल जाएगा, उससे दोस्तों हमें ऑफ कर देना है। और यहाँ पे एक प्लग मिल जाएगा जिसे हमें अनप्लग कर देना है, और हम इस बैटरी को निकाल पाएंगे। यहाँ से ऐसे हम निकाल सकते हैं इस बैटरी को, जो कि दोस्तों बैटरी हैवी है, लगभग इसका वेट जो है वो 15 kg तक आपको मिल जाएगा। और दोस्तों इस बैटरी को हम घर पर लेके जाके भी चार्ज कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे दोस्तों हमें एक चार्जिंग का सॉकेट भी मिल जाता है, वहाँ से भी हम चार्ज कर सकते हैं, जो कि दोस्तों अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों इस बैटरी की जो हमें 3 साल की वारंटी मिल जाती है, और इस वारंटी की दोस्तों हम 2 ईयर्स तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों हमें 3,500 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जो कि दोस्तों एक डिसेंट सी अमाउंट है, क्योंकि जो ये बैटरीज है दोस्तों वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड में है, लगभग 50 से लेके 55,000 तक है, मतलब एक स्कूटी के हाफ प्राइस में दोस्तों बैटरी की प्राइसिंग है। तो ज़रूर से रिकमेंड करूँगा, जब आप इस स्कूटी को परचेस करोगे तभी 2 ईयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी आप ज़रूर से ले लीजिए। तो दोस्तों अभी आ जाते हैं स्कूटर के मीटर कंसोल की तरफ। तो मीटर कंसोल की तरफ आने से पहले मैं आपको इस स्कूटर की कीज़ दिखा देता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से दोस्तों हमें इस स्कूटर की कीज़ मिल जाएगी। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे हमें जो है एक रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है, जिससे हम इस स्कूटी को रिमोटली ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और बीच में दोस्तों जो है हमें प्योर एवी का एक साइन मिल जाएगा, उससे दोस्तों भी हम स्कूटी को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और इस स्कूटी में दोस्तों एक आपको इंटरेस्टिंग फीचर मिल जाएगा, जो कि दोस्तों इस स्कूटी का थेफ्ट अलर्ट। तो दोस्तों इस स्कूटी को आप लॉक करके कहीं पर भी चले जाते हो रिमोट से, और दोस्तों उसके बाद इस स्कूटी के साथ कोई भी मिसबिहेव करता है या कोई भी रॉन्ग एक्टिविटी करने की कोशिश करता है तो यहाँ पे दोस्तों अलार्म बजना चालू हो जाएगा, और जो पीछे का टायर है वो ऑटोमेटिकली दोस्तों लॉक हो जाएगा, तो इस स्कूटी को कोई भी चुरा नहीं पाएगा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा और सेफ फीचर प्योर एवी की तरफ से मिल जाता है। तो अभी मैं इस स्कूटर को ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमें इस स्कूटर का जो है मीटर कंसोल मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों 5 इंचेस का जो है डिस्प्ले मिल जाएगा। उसी के साथ साथ जब ये स्कूटी ऑन होती है तभी ऑटोमेटिकली पार्किंग मोड पे ही ऑन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमें जो बैटरी के इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे हमें ऑडोमीटर मिल जाएगा, स्कूटर की ब्रांडिंग मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें स्पीडोमीटर मिल जाता है, और यहाँ पे जो देख सकते हो यहाँ पे हमें दोस्तों 3 जो है राइडिंग मोड्स मिल जाएंगे, जो कि दोस्तों अच्छी चीज़ है। और जो ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है इस स्कूटर के मीटर कंसोल से आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस स्कूटी को एक फुल चार्ज में 100 से लेके 120 किलोमीटर तक चला सकते हो, और इस स्कूटी में दोस्तों आपको लगभग 55 से लेके 60 तक टॉप स्पीड मिल जाएगी। तो दोस्तों इस स्कूटी को फुल चार्ज करने के लिए लगभग 3 यूनिट्स की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होने वाली है। तो मतलब आप एक रफ एस्टिमेट लगा लेते हैं, तो यहाँ पे हमें 100 से लेके 120 किलोमीटर के लिए ओनली 25 से लेके 30 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। और 1 किलोमीटर की बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे हमें 30 पैसा पे करना पड़ेगा पर किलोमीटर के वाइज। तो अभी आ जाते हैं स्कूटर के हैंडल बार की तरफ। तो दोस्तों इस स्कूटी में आपको अच्छे खासे हैंडल बार्स मिल जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों एक मेटालिक एंड रबर फिनिश में आपको हैंडल बार्स मिल जाते हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छी और प्रीमियम फील प्रोवाइड करेंगे। उसी के साथ साथ आ जाते हैं स्विच गियर्स की तरफ। तो स्विच गियर्स की भी दोस्तों क्वालिटी है वो डिसेंट सी है। यहाँ पे हमें पास लाइट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे हॉर्न का बटन मिल जाएगा, तो हॉर्न भी आपको एक डिसेंट सा मिल जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे हमें साइड इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, इस साइड में हमें LED के लिए बटन्स मिल जाएंगे, और इस साइड में जो हमें अगेन हॉर्न का बटन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें 2 हॉर्न के लिए बटन मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो रेड कलर का बटन है वो मोड चेंज करने के लिए है। यहाँ पे हमें 1, 2 और 3, जैसे हम 3 मोड इसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे जो एक पार्किंग का बटन मिल जाएगा, जिससे हम स्कूटर को पार्किंग से निकाल सकते हैं और पार्किंग पे डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था इस स्कूटर का एक डिटेल रिव्यू। तो दोस्तों आपको ये रिव्यू कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और इस स्कूटर को लेके आपकी कोई भी डाउट्स होगी तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझे पूछ लीजिए, क्योंकि हर एक कमेंट का मैं आपको रिप्लाई देने वाला हूँ। और मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा प्योर एवी एंड चिंतन सर का, जिन्होंने ये स्कूटर मुझे आप तक पहुँचाने के लिए प्रोवाइड की। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों के साथ, और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग और भी वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ।